दोपहर में तैयार हो गई थी, बहुत देर हो गई है, शो स्टार्ट हो गया है, अब हम जा रहे हैं अंदर, फिर दिखाते हैं अंदर जाते। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लभिया यू ब्लॉग। आई हो कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो कुछ स्पेशल है, क्योंकि आज है 14 अगस्त, और स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आज मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ सुहानपुर शो में, 14 अगस्त के शो में बोलते। तो मसला ये कि मेरे तो कपड़े निकल ही जाएंगे, ये तो मुझे पता है, लेकिन जुहान के लिए मुझे लेने जाना है उसके कपड़े, क्योंकि मुझे हर काम जो है ना वो एंड में याद आते हैं। सारा हफ्ता जो है मैं बिल्कुल फ्री बैठी हुई थी, लेकिन मुझे जो है ना याद नहीं था कि मुझे ये काम भी करना है, बट बिल्कुल एंड टाइम पे मुझे याद आया कि यार नहीं, मैंने सुहान के भी कपड़े लेने हैं, और अपने लिए भी जो है वो अगर मुझे अपने कपड़े यहाँ पर नहीं समझ आए तो मुझे लेने पड़ेंगे। लेकिन टाइम हमारे पास इतना नहीं है, टाइम बहुत कम है, क्योंकि आज मैंने जल्दी पहुँचना है वहाँ पर, मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश का कुछ पता नहीं है, तो बीच में हम स्टक ना हो जाए, शो भी लाइव है। दे रहे हैं अपने मामू के पास बैठे हुए हैं, फोन यूज कर रहे हैं, कोको मेलन देख रहे हैं, जब भी इतने सुकून से बैठे हुए हैं, वरना जमान और सुकून बहुत अलग अलग चीज़ हैं। तो अभी जमान के मामू इनको कोको मेलन दिखा रहे हैं। अरे भाई, यहाँ पर कह रही है सफाई, आज मेरी छुट्टी है। यार मसला ये हुआ कि हमारी ना मासी चली गई है, तो अब मुझे और अरीबा को सफाई करनी पड़ती है। मैं भी बहुत काम करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। अरीबा चुप रहो, उस दिन मैंने सफाई की थी, उस दिन की थी बेटा, की तो घर के सिर्फ झाड़ू नहीं होता, और भी काम होता है। तो और नबिया बहुत काम चोर है, गजब बेइज्जती है। अरीबा आपको कैसा फील हो रहा है, आप 14 अगस्त वाले दिन भी, आजादी के दिन भी आप काम कर रही हैं? आज आजादी का दिन है और मेरे हाथ में झाड़ू है, लोगों के हाथ में झंडा होते हैं, मेरे हाथ में झाड़ू है। नाइस, चलो आ गया जुहान। तो बस अभी मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के घर जहनाज के यहाँ, उसके घर में घर से करीब ही है, तो वहाँ पर काम है, देन उसके बाद मैं जाऊँगी मॉल और फिर वहीं से मैं शो के लिए निकल जाऊँगी। मैं इसके कपड़े वपड़े सब लेकर आ रही हूँ, और इसका बैग मैंने बना दिया है, तो आप इसको अच्छा तैयार हो रेडी कर। क्या हुआ मेरे बेटे को, लग गई भाई। जुहान को ना कल बिल्ली ने पंजा मार लिया था, क्योंकि जुहान उसको बहुत तंग कर रहा था, तो बिल्ली ने उसको पंजा मार दिया। और जुहान को मेरे मेकअप में घुसने का इतना शौक है कि पता नहीं इसको ये शौक कहाँ से आ गया है, हर वक्त मेरे मेकअप में घुसा रहता है। बस मैं निकल गई हूँ घर से, अब जरनाज के पास जा रही हूँ, वहाँ पर काम है। मौसम तो बड़ा अच्छा हो रहा लग रहा है, बारिश होने वाली है, बट अल्लाह करे बारिश ना हो। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, दोनों सो रही हैं। ये देखो भाई, मैंने आज मारा छापा यहाँ पे, और 3 बज रहे हैं, ये इनका हाल है। उठो इधर, एक्सक्यूज मी, ये बंद कर। मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये बंद क्यों बंद करूँ, अब शक्ल दिखाओ सबको अपनी। नहीं कोई नहीं, ये देखें, ये 3 बजे कौन सा होता है, तुम्हें पता है मैं कब से उठी हुई हूँ, मुझे पता था ये सो रही है, इसलिए मैंने झापा मारा यहाँ पे। तू फारिग है ना, जाए मैं फारिग हूँ, जब भी मैं जल्दी उठ गई, तुम फारिग नहीं हो, तुम बहुत बिजी हो, जब भी तुम अभी तक सो रही हो, यही मतलब है ना तुम्हारे कहने का। मैं जरी से मिल रही हूँ, क्योंकि मैं जब तक इससे मिलू नहीं ना मेरा दिन नहीं गुजरता, और जिस दिन मैं इसे मिल रही हूँ ना मेरा दिन बहुत ख़राब गुजरता है, तो मसला ये है, मैं फिर भी क्या करूँ। तुम जुहान को, मैंने तुमसे कहा था कि कल तुम चली जाना जुहान के पास, तुम गई, इतनी तुम्हें याद आ रही थी तो तुम चली जाती ना। अब यहाँ से मैं जाऊँगी वहीं पे जुहान के कपड़े लेने, फिर जुहान को घर पे दूंगी, फिर निकल जाऊँगी। बहुत मुश्किल से मैंने जरी को मनाया कि मेरे साथ चले शो में, और ये जा रही है फाइनली। दफा हो जाओ जी, आ रही ना जा। भाई अपने घर से निकाल रही है ये। यार ये अपने घर से मुझे निकाल रही है। नाज ने अपने कपड़े डिसाइड कर लिए हैं और जरनाज ये पहन रही है, तो भाई तो चलो जल्दी पहनो ताकि हम चलें, और यहाँ पर इनकी तैयारियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, और मैं जरनाज से कह रही हूँ कि भाई जल्दी चल लो, मुझे देर हो रही है, लेकिन इसकी तो तैयारियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। 2000 years later. बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है और बारिश होने वाली है बहुत। यहाँ से उतरी कैसे थी, मैं छलांग मार के उतरी थी। अब हम जाने लगे हैं
समझ नहीं आ रहा मैं जुहान के लिए शलवार कमीज लूँ या पैंट शर्ट लूँ, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। आ चुके हैं, ये हमारे घर की तरफ ही नया मॉल खुला है, तो आज मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ, तो देखते हैं कैसा है ये। बस मिल जाए जुहान के कपड़े हमें। आउटफिटर्स पे तो वही पैंट शर्ट होंगे, मुझे शलवार कमीज चाहिए जुहान के यार। मेरे पास अब इतना टाइम नहीं कि मैं इसके लिए शलवार कमीज ढूंढूं, यही वाला ले लेते जरी क्रीम। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से हमें एक शर्ट पसंद आई है लेकिन उसमें साइज़ नहीं है, तो अभी मैंने उसको भेजा है, वो साइज़ निकाल कर ला रहे हैं, अगर मिल गया तो ठीक है कि वरना हमें कहीं और जाकर देखना पड़ेगा। पर दूसरी शॉप पे आए और अंकल के पास हम ये देख रहे हैं, बट मैं दोनों में कंफ्यूज हो रही हूँ कि ग्रीन शलवार कमीज लूँ या ब्लैक बेजरी, मतलब कह रही कि ग्रीन ले लो तो फिर ग्रीन ही ले लेते हैं। घर तो हम लोग आ गए हैं, जुहान को पहनाकर भी चेक कर लिया, साइज़ तो ठीक है। अब हमारा प्लान ये हुआ कि हम जुहान को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, बस जुहान को मैं रेडी करने लगी हूँ और हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि वो लोग खड़े हुए हैं हमें लेने के लिए। हाय सैनी, तुम क्या करने जा रही हो? मैं ये खाती जा और आज हमारे ड्राइवर जो हैं वो मसरूर हैं मसरूर ड्राइवर। कल तो चुके हैं लेकिन इतना यहाँ पर ट्रैफिक हो रहा है, पूरा पाकिस्तान पूरी आवाम जो है ना आज निकली हुई है यहाँ पर और इतना रश हो रहा है। अब हम लोग पहुँच जाएँ टाइम पे बड़ी बात है क्योंकि लाइव शो है और हमने टाइम पे पहुँचना है, तो लेट्स सी कि हम पहुँचते हैं या नहीं। पहुँच गए हैं हम बोल, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था रास्ते में 14 घंटे की वजह से, तो खैर अब तो पहुँच गए हैं। बड़ा टाइम लगा हमें 1.5 घंटे और जुहान इतने रास्ते सोता ही रहा है। जुहान टूट गए, नींद पूरी करके अब जुहान का हम लेट करेंगे ऊपर जाके। इससे भी डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है ये, लेकिन कैसी है? सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बड़े टाइम बाद आशी बाजी आज मुझे मिली हैं और मुझे उनकी सीरियसली बहुत याद आ रही थी क्योंकि ये जो मेरा मेकअप करती है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, इनका मेकअप बहुत ज़बरदस्त होता है और इतना अच्छा ये तैयार करती है मुझे। तो ये गई हुई थी दुबई क्योंकि इनकी वहाँ पर जॉब थी, बट ये अब आ गई हैं काफ़ी टाइम बाद, मेरे ख्याल से 2 महीने बाद आई हैं ये। तो आज मैं फ़ौरन से बैठ गई इनके पास मेकअप करवाने हैं और बस मैं अपना जल्दी से मेकअप करवा लूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसी तैयार हुई हूँ। भाई मैं तैयार हो गई थी, बहुत देर हो गई है, शो स्टार्ट हो गया है, अब हम जा रहे हैं अंदर, दिखाते हैं अंदर जाके। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का बीच में। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं भी ना ऐसे चोदिया मारने के लिए और मोबाइल ऐसे बोल निकाल के घूम रही थी, यकीन करो मेरा मोबाइल के पूरे पीछे से ये जो ये चीज़ है ना पूरी नई डली है, ये पूरी खत्म हो गई थी, इतना सा विचार सीधा कि हल्का थोड़ा कम नुकसान हो। बस मैं यहाँ पर जुहान को लेकर खड़ी हुई हूँ क्योंकि ये जो है ना बहुत कंफ्यूज हुआ हुआ था, इतना ज़्यादा साउंड था बैकग्राउंड पे, तो इसीलिए ऊपर लेकर जा रही हूँ जुहान को क्योंकि इसने पीना है फीडर, इसको भूख लग रही है, तो ऊपर जरी बैठी हुई है, जरी के पास इसका सामान है। जुहान को भाई कोई भी तंग ना करे, वो बस अपना लगा हुआ है, उसको जो है ना बस किसी के पास भी नहीं जाना, उसको मेरे पास भी नहीं जाना। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आपको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। मैं तो कब से आज़ाद हूँ,
हमें आज़ादी अभी मिली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको भी बहुत बहुत आज़ादी मुबारक। तो ये तुम तो भाई बचपन से आज़ाद हो। आप ब्लॉग कब से बना रही हैं? मुझे जिसने कहा है ना ब्लॉग बनाने के लिए उसका नाम मैं आपको बता दूँ। दुकान को देखो, ये बड़ों के बड़ों के मैकेनिक बहुत सारी यादें किसके साथ इस शो के हवाले से, और एक शो और था हमारा सब जानते हैं। हाँ, एक और शो और था हमारा साहिल लोधी वाला, उधर पे हमारी बहुत सारी बहुत अच्छी, हाँ बहुत सारी मेमोरीज हैं। सो हम उस चीज़ को बहुत मिस करते हैं और ये बहुत अच्छी क्योंकि आवाम को पता है, जब तुमने व्लॉगिंग शुरू की थी आवाम को नहीं पता थी ना। सारा आप कुछ कह रही हैं? आप कह रही हो मुझे सिर्फ तुम नहीं पसंद, जुहान पसंद। हद हो गई यार, जुहान सबको पसंद। तुमने एक अच्छी चीज की है जिंदगी में, सिर्फ जुहान। लेकिन मैं तुम्हें सबूत दूंगी अकेले में न जाके। मैं व्लॉग बना तुम्हारा कैमरा ऑन यार, नहीं एडिट होगा ना तो फिर एडिट में मतलब सारा कट कर दो, कि सारा कट कर दो, इन सबको कट कर दो, मुझे मैं मुझे कट करोगी? कुछ लोगों को, मुझे किसी को ना यकीन नहीं आता यहाँ पे कि सुहान मेरा बेबी है। वो गिर गया सुहान यार, अजीब डरा दिया तुमने पागल। सुहान बहुत सुकून से खड़ा हुआ, तुम खड़े रहते हो। मैं सुहान को अपनी शक्ल नहीं दिखा रही, क्योंकि मैं जब अपनी शक्ल सुहान को दिखाऊंगी तो डर लगता है। अस्सलामुअलैकुम, जैसे कि आप जानते हैं कराची से आने वाली ट्रेन अपने शहरों से मिलने के लिए 14 अगस्त मनाने के लिए कराची से आने वाली। अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था। ये व्लॉग है ना? हाँ व्लॉग है। अरे मैं तो व्लॉग ही रह गया। तो भाई जुहान को हमने ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि अब हो रहा है स्टार्ट हमारा गेम। जुहान को हमने ऊपर छोड़ दिया क्योंकि स्टेज पे बहुत टेंशन है, हमारे गेम्स में ऐसे दोस्त को लगना चाहे, इसलिए मैंने जरी को दिया जुहान। अच्छा, इतने टाइम से किसने संभाला उसको? मसरूर ने। अभी हम ब्रेक में हैं और मैं जा रही हूँ बाहर, फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जुहान को हम यहाँ पर ऊपर लेकर आ गए क्योंकि तंग हो गया था वहाँ पर, कहीं पे भी नहीं जाना इसको, और खेलने में लगा हुआ ये। शो चल रहा है और ऊपर आ गया जुहान। अब ये गिरा जुहान उल्टा। मैंने जुहान को रिसेप्शन पे बिठा दिया है ज़हरनाज के साथ। हम लोग जा रहे हैं शो की एंडिंग करने, शो ख़त्म होने वाला है अब हमारा। हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं। और भाई हम लोग यहाँ पर उतर गए थे KFC पे, क्योंकि मुझे और जरनाज को बहुत भूख लग रही थी। तो मम्मा लोग भी यहाँ पर आ गए। इतना यहाँ पर रश हो रहा है, इतना यहाँ पर रश हो रहा है। अब ऑर्डर तो हमने दे दिया और ऑर्डर आएगा हाफ आवर बाद। जुहान यहाँ पर खेल रहा है, जुहान को मैं आप लोग को दिखाती हूँ। जुहान की हुआ भी आ गई है हमारे पास। आप जुहान को मिस कर रही थी बहुत, मेरे सर में दर्द हो गया था इसको याद कर, बस ज्यादा ओवर, बस ज्यादा हो गया। पैंडल खाकर आई हूँ मैं। जुहान की नन्ना
जुहान की हुआ इतना मिस कर रही थी कि यहाँ पर आ गई। आपको मेरी थोड़ी सी याद नहीं आई, इतनी सी इनको मेरी इतनी सी याद आई है, इतनी सी याद बस। चलो खैर हो गई। जुहान को कितना मिस किया यार अम्मी। जुहान मेरा ही बेटा है, आपका बेटा नहीं मेरा बेटा है। जी नहीं जी नहीं आप मैं आप ही नहीं हूँ भाई। एक तो मैं जान जाऊँ ना कोई मान देंगे, खैर मेरी मम्मा ऑब्वियसली मजाक करी मेरे साथ। मैं तो बिल्कुल भी मिस नहीं किया, मैं बहुत सुकून में थी और मैंने सिर्फ मिस किया अपने बच्चे को मिस किया बस। मैंने मुझे इतनी सा मिस किया और जुहान को, इन दोनों ने ना बहुत सारा मिस किया। तो यही होता है मतलब जब आपके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं ना तो आपके साथ फिर यही ना इंसाफी होने लगती है। चलो खैर है कोई बात नहीं, भाई ऑर्डर आ गया है। जुहान ये लगी है बहुत भूख, जुहान अब खाएंगे खाना और खाकर और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। घर जाने के बाद ब्लॉग एंड करने की मुझे हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होगी। अपना ब्लॉग एंड करी, आई होप कि आप लोग ये ब्लॉग आज का बहुत पसंद आया होगा। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।